कर लिया था एंड बहुत ज़्यादा सुंदर होटल है एंड आई एम इन शॉक बिकॉज इट्स अ सरप्राइज टू मी. मुझे सरप्राइज दिया गया था और मैं अभी तक सरप्राइज में हूँ एज यू कैन सी फ्रॉम माई एक्सप्रेशंस. एंड अभी हम कैब में एंड दे आर टॉकिंग तो आई जस्ट होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करने बाहर. तो हम पहुंच गए हैं, हमने पे कर दिया है एंड थैंक यू सो मच एंड वी आर हियर. ओके, अंदर इतना ठंडा था कार में तो मुझे फिर से खांसी हो गई है. तो हम सोच रहे पहले कुछ खाने का देख लेते हैं क्योंकि यू नो सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अभी शाम हो गई है, कुछ खाया नहीं है. तो लेट्स सी कुछ मिल जाए. तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ की लोकल फ्रूट मार्केट मिलेगी एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होगा, मैंने सोचा नहीं था. इट्स वेरी क्राउडेड. तो ये तो बिल्कुल हमारी लोकल मार्केट जैसी ही है, राइट? या जैसे हम सबकी सिटीज़ में होती है ना मार्केट, जहाँ पे क्लोथ्स, ज्वेलरी, खाने पीने का सामान, इवन दे हैव लोकल फूड स्टॉल्स एज वेल. या एंड इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एवरीथिंग हियर. ओके चलो लेट्स एक्सप्लोर. ना डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन? What? This one? ठीक है. ये है क्या? Sweet potato ball. ये तो sweet potato ball है. तो दीदी को लगी है बहुत ज्यादा भूख और यहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है तो हम आ गए हैं इस जूस शॉप पे जूस पीने. तो अभी हमने एक गवावा जूस और एक मैंगो जूस लिया. एज यू कैन सी ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं कुछ नहीं पी रही हूँ क्योंकि ठंडा है. तो ये दोनों के लिए है. एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे ना लोग काफ़ी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लाइक अजीब से हैं. कौन सुन रहा है मुझे? हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो हमारा जूस आ गया है, एक मैंगो एक गवावा. तो लाइक कुछ कपड़े हैं बट अगेन इट्स ऑल टॉप टॉप. And I'm looking for some good dresses. ये देख, ये है, ये है, ये है. कितने की है? रेट पता नहीं. $15 ये वाली? ये नहीं, ये ऑफ शोल्डर नहीं लेना, तुझे पता कितना अनकम्फर्टेबल होता है. ये भी है यहाँ. तो बेसिकली मेरे यहाँ पे आने का मेन रीज़न यही था कि मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए. आई एम आउट ऑफ क्लॉथ्स टू बी ऑनेस्ट. तो मैं सोच रही थी कि लोकल मार्केट है यहाँ पे कुछ यू नो सस्ता मुझे मिल भी जाएगा. तो यहाँ पे मुझे वो काफ़ी ड्रेसेस और टॉप्स तो मुझे मिले हैं और यहाँ पे यू नो जो सिंगापुर के लोग जैसे पहनते हैं वो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा. बट यू नो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको देख के ये बोलेंगे, अगर आप फॉरनर हो तो दे विल चार्ज यू वेरी हाई, बट आप बार्गेनिंग कर सकते हो वेरी इजीली. तो लेट्स सी क्या मिलता है. वैसे मुझे दो तीन चीज़ें दिखी हैं, मुझे लग रहा है कि आ भी जाएगी. एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस? एंड हाउ मच इज दिस? दिस आर सेम, यू से 2 लाख 25. या ऑफर ऑलरेडी. Look at this. अभी कैमरे में एग्जैक्ट मैं कैप्चर नहीं कर पा रही बिकॉज बहुत दूर है बिल्डिंग. मैं आपको थोड़ा जूम करूँ, ये देखो. पहुंच गए अपनी लोकेशन. थैंक यू आफ्टर बुक स्ट्रीट. नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था.
माइक लगा हुआ है? हाँ माइक है। मैं बोल रही हूँ कि हम पहुँच गए हैं बोट कुए, आई थिंक बोट कुए ही है नहीं, और हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा था खाना खाने के लिए। तो आई वाज सेइंग कि हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बोट कुए में। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है एंड इट्स वेरी फेमिलियर बिकॉज जर्मनी में हम इसमें ही खाया करते थे, हैंस एम ग्लॉक, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है। तो कैब वालों ने उतार दिया है, कैब वाले ने उतार दिया है और हमें जाना है। आई थिंक 10 मिनट, कितने मिनट की वॉक दिखा रहा है। तो हम जा रहे हैं, हमने सोचा होटल जाएंगे फिर वापस आएंगे, कितना चक्कर पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम गलत चल रहे हैं, हमें लेफ्ट नहीं चलना चाहिए। तो ये काफ़ी डरावना रास्ता लग रहा है, बट आई नो व्हाट इज़ दिस, ये दो बिल्डिंग्स के बीच में जो गैप छोड़ा है क्रॉस करने के लिए वो है। ये देखो ना, सारी सर्विसेज वगैरह हैं पीछे इधर। और यहाँ पे देखो नज़ारा सिंगापुर का, हमें जाना है लेफ्ट। हमारा स्ट्रीट में आगे कह रहा है यार, मैप ही गलत दिखा रहा है, किसी से पूछ लेते हैं। रेस्टोरेंट दे, इंडियन हाउस है, वहीं खा लेते हैं। कहीं भी खा लो यार, जरूरी थोड़ा ना वही खाना है। ढूंढ रहे हैं, हमें वो मिल नहीं रहा क्योंकि वो दूसरी स्ट्रीट में दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक मुझे इंडियन हाउस दिखा है, तो मैं बोला यहीं खा लेते हैं, कितना घूमते रहेंगे, भूख लग रही है। दिस इज नॉर्थ इंडियन कुजीन रचित। तो जाना था बर्गर खाने, आई होप मेरा माइक ऑन है। बर्गर खाने जाना था, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है जर्मनी में, मैंने और रचित ने हमेशा वहीं पे खाना खाया है और बहुत ही अमेजिंग जर्मन बर्गर होता है। बट मैप बहुत कंफ्यूज कर रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और ऑलरेडी 8:20 हो चुका है बड़ा वैसे ही। तो हमें एक मिला है किनारा इंडियन रेस्टोरेंट, तो हम यहाँ आए खाना खाने। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट सारे हैं क्योंकि यू नो आप रिवर साइड के बगल में बैठो, आप कुछ व्यू देखो पूरा लाइक सिटी का, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत। दीदी देख एक बार, सीरियस सीरियस व्यू। बोट आ रही है? हाँ बोट आ रही है। तो हम बहुत खुश हैं आज कि फाइनली हमें खाने को मिल रहा है, आई होप मतलब मुझे मिल रहा है। इन्होंने तो जूस पिया था, मैंने कुछ नहीं पिया था। तो लुक एट दिस, खाना तो सारी, चलो 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 फटाफट खाओ। बहुत थक गई हूँ मैं, बट व्यू देख के बहुत खुश हो गई हूँ, बहुत अच्छा है। और मनी एक्सचेंज भी हमारी हो गई थी यूएसडी से सिंगापुर डॉलर में हमने कर दिया। अब हम आराम से शांति से खा सकते हैं। ये पीछे अच्छा नहीं है बट लाइक आहा, चलो ठीक है, बाय बाय बाय, होटल में मिलते हैं हम।